वेलकम टू माय चैनल जिया इन किचन। आज मैं आप सबके लिए चटपटी स्वादिष्ट भेलपूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम बना लेते हैं चटनी। यहाँ पर मैंने 8 हरी मिर्च लिया है, एक छोटा टुकड़ा अदरक, 2 चम्मच भुना चना, थोड़ी सी हरी धनिया, और ये चटनी सूखी बनेगी। तो अब हम एक एक चीज़ों को मिक्सर जार में डाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। तो अब इसको हम पीस लेते हैं मिक्सर जार में। तो ये देखिए सूखी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल ले रहे हैं और 2 कटोरी मुरमुरे डाल लेते हैं। और इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है तब तक कि जब तक कि ये कुरकुरा ना हो जाए। तो इसे हमें चलाते रहना है। तो इसको पफ फ्राइज भी कहते हैं और इसको कहीं पर लैया भी कहा जाता है और मुंबई में इसे मुरमुरा कहते हैं। तो ये देखिए मुरमुरा कुरकुरा हो चुका है। तो अब हम इसको प्याले में निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम मूंगफली फ्राई कर लेते हैं। 1 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और आधी कटोरी मूंगफली डाला है। इसे अच्छे से हम चलाते रहेंगे तब तक कि ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इस प्याले में निकाल लिया है। अब हम इसमें आधी कटोरी चना डाल लेते हैं, जो भुना चना होता है वो, और मैंने यहाँ पर मोटी सेव डाला है और मैंने यहाँ पर पापड़ डाला है। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और मैंने उसको चॉप कर लिया था। 2 चम्मच हरी मिर्च ली है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, वो भी मैंने चॉप कर लिया था, और आधी कटोरी हरी धनिया, आधी चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच नमक, और जो मैंने चटनी पीसा था ना, और अब हम उसको ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें एक नींबू ऐड कर देते हैं और नींबू ऐड करने के बाद इसे हम चला देंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाए आपस में। और भेलपूरी आपने ट्रेन के सफ़र में ज़रूर खाया होगा। अगर आपने ट्रेन पर नहीं खाया है तो आपने कॉलेज के बाहर तो ज़रूर खाया होगा। भेलपूरी बहुत ही लो कैलोरी वाला फूड है और इससे भूख मिट जाती है। ये शाम को और सुबह आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और इसे खाना सबको बहुत पसंद है। तो ये देखिए कितनी चटपटी सी भेलपूरी बनकर तैयार हो चुकी है। भेलपूरी को अब हम चौंगे में निकाल लेते हैं। जैसे आप देखते हैं ना ठेले पर चौंगे में बन निकालते हैं, उसी तरीके से मैंने कागज़ का चौंगा बना लिया है। इसमें खाने में बहुत अच्छा लगता है चौंगे में, और आप इसे प्लेट में भी निकाल सकती हैं। चटपटी सी और तीखी भेलपूरी बनकर तैयार हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।